हेलो एंड स्वागत है आप सभी का। एंड स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज के साथ जो कि है ट्रिगर्ड इंसान वर्सेस पेपॉय के बारे में। तो ट्रिगर्ड इंसान के एडुकेशन से रिलेटेड उन पर क्या एलिगेशंस लग रहे हैं ये तो मैंने कम्प्लीटली अपने इस वाले वीडियो में आपको बता दिया था, स्पेशली उनकी जेई मेंस की रैंकिंग को लेकर। हालांकि ट्रिगर्ड इंसान की साइड से इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं आया था, बट पेपॉय ने ट्रिगर्ड इंसान के ऊपर एक वीडियो शेयर की थी जहाँ पर उन्होंने अपना ओपिनियन शेयर किया था। लेटर ऑन होता ये है कि कल का लौंडा एक वीडियो शेयर करते हैं जिसका थंबनेल होता है पैसे में बिक गए पेपॉय। एंड यहाँ पर बेसिकली उन्होंने इसी कंट्रोवर्सी के बारे में बात की होती है। एंड ये पॉइंट भी मेंशन किया होता है कि पेपॉय ने पैसे लेकर ये वीडियो बनाया है ट्रिगर्ड इंसान के अगेंस्ट। एंड इसी वाली चीज को लेकर पेपॉय ने आज एक ट्वीट शेयर किया है जहाँ पर वो ये बताते हैं कि वो लीगल एक्शन लेने वाले हैं केकेएल के ऊपर। सो बेसिकली उन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा है, पब्लिक नोटिस, कल का लौंडा एंड अनसिविलाइज क्रिएटर नोन फॉर बेसलेस एक्यूजेशंस हैज क्रॉस द लाइन बाय क्लेमिंग आई टुक मनी फॉर माय वीडियो ऑन ट्रिगर्ड इंसान। एंड ये सिर्फ ट्रोलिंग नहीं है, इट्स अ सीरियस अटैक ऑन माई रेप्यूटेशन बाय अ क्रिएटर विद अ मैसिव फॉलोइंग। एंड आगे उन्होंने कहा, विदाउट एविडेंस कोई कैसे ऐसे एलिगेशंस लगा सकता है कि पैसे मिले हैं मुझे ट्रिगर्ड इंसान के अगेंस्ट वीडियो बनाने के लिए। आई एम सेंडिंग अ लीगल नोटिस एंड इस चीज को मैं कोर्ट तक लेके जाऊंगा एंड मैं चैलेंज करूंगा टू हिम टू प्रूव हिज एलिगेशंस एंड आई एम रेडी टू पुट आउट ऑल माई बैंक स्टेटमेंट्स, मैं अपने फाइनेंशियल्स वगैरह सब कोर्ट के सामने प्रूव कर दूंगा कि मैंने इस वीडियो के लिए कोई भी पैसा नहीं लिया है। वी आर ओके अगर आप रोस्ट करते हो, एक्सपोज करते हो हमारे स्टेटमेंट पर, हमें चैलेंज करते हो, बट पुटिंग आउट फॉल्स फाइनेंशियल एक्यूजेशन इज अ बिग नो। सो बेसिकली यहाँ पर उन्होंने यही बताया है कि वो डिफेमेशन का केस फाइल करने वाले हैं, वो लीगल नोटिस भेजेंगे केकेएल को। नेक्स्ट अब बात करते हैं एल्विश यादव के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि शिवानी कुमारी जो कि बिग बॉस OTT सीजन 3 के कंटेस्टेंट है, उनके ऊपर काफी सारे लोगों की साइड से ओपिनियन आया था। एंड ऐसे ही एल्विश यादव ने भी अपने व्लॉग में यही ओपिनियन देते हुए कहा था कि उनकी आवाज काफी इरिटेटिंग है। तो इसके बाद उन्हें शिवानी कुमारी के फैंस की साइड से काफी हेट मिला था, जिसके ऊपर अब उन्होंने अपने रीसेंट ब्लॉग में रिप्लाई किया है एंड कुछ ये कहा है। शिवानी कुमारी पब्लिक हेट कर रही है भाई, कह रही इसकी आवाज नहीं सुननी है। और बहुत लोग भाई एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत लोग कह रहे हैं भाई ये उस समाज से आती है तुम उसका मजाक उड़ा रहे। नहीं भाई, समाज वाली चीजें तो एज अ गेम तो वाली चीजें करनी होती है। हम जाट गुजर यादव ये सारी भी तो कर रहे होते कि भाई कटारे जाट है, कटारे को वोट करो। नीरज भाई भी तो जाट था, जाट है ना नीरज भाई? बिल्कुल। हमने अभी एक बार भी ऐसा कोई जातिवाद नहीं करी ना कुछ करी। हम जज कर रहे हैं उनकी पर्सनैलिटी पे, ना कि उनके भाई वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, किस समाज से आते हैं। हमें भाई कोई लेना देना नहीं है, वो कंटेस्टेंट्स है बिग बॉस के घर में, सब बराबर है। और हमारे लिए भाई सच्ची बिरादरी सब बराबर है, सब चीज बराबर है भाई इस धरती पे। एक एक इंसान हमारे लिए सब बराबर है, हम उन चीजों में बिलीव नहीं करते, पिछड़ी सोच नहीं रखते। तो प्लीज ये वाली मेंटालिटी अपनी निकाल देना भाई। लोग मैंने ट्विटर बताया उसने गलत बोला शिवानी कुमारी के बारे में, अरे तो शिवानी कुमारी रिप्रेजेंट थोड़ी कर रही है किसी को। टॉकिंग अबाउट बिग बॉस OTT सीजन 3, तो एल्विश यादव ने रिएक्ट किया कि उन्हें ये वाला सीजन बोरिंग लग रहा है। आप देखिए उन्होंने बिग बॉस पर रिएक्ट करते हुए क्या कहा है। ऑनेस्ट ओपिनियन दूं, चलो कैमरा है, बहुत लोग कहेंगे एल्विश भाई तो कटारे के सपोर्ट में ये हुआ है। न्यूट्रल अगर मैं बिल्कुल सब कुछ हटा के एज अ थर्ड पर्सन ऑडियंस बन के बात करूं, तो इस बारी OTT सीजन 3 में मजा नहीं आ रहा। लेजिट है मैं खुद ही नहीं देख रहा, मैं तो बंदा अंदर है। हम तो कटारे की वैसे देखते हैं, जितना देखते हैं वैसे हम सोच रहे थे कि नहीं पता अंदर क्या ही होगा। इस बार तड़कती भड़कती चीजें आई हैं, अरमान की दो वाइफ आई हैं, ये हुआ है वो हुआ है। सब लोग ना बड़े दिमाग से सोच के कि भाई हमने नेगेटिव नहीं बनना। सब जब भी लाइव उठा के देख लो सारा बंदे ऐसे बैठे रहते हैं सोफे पर, कभी सोफे पे कभी ऐसे पड़े हैं, कभी कुछ पड़े हैं, तो वो वाली बात निकल के नहीं आ रही जितना मैंने एक्सपेक्ट करा। नेक्स्ट अब बात करते हैं कैरी मिनाटी के बारे में। तो कैरी मिनाटी ने रिसेंटली एक पोस्ट शेयर किया है जहाँ पर उन्होंने एक लुक क्रिएट किया हुआ है एंड आप देख सकते हो ये 90s का लुक है, शायद वो कोई अपने अपकमिंग वीडियो के लिए है या ऐसे ही है। सो इस पर काफी फनी रिएक्शंस आ रहे हैं। सो सबसे पहले पूरव झा ने इस पर रिएक्ट करते हुए कुछ ये कॉमेंट किया, कैरी ऑन झट्टा। इसका रिप्लाई करते हुए कैरी मिनाटी ने कहा, ये बियर ग्रिल्स क्या कर रहा है। नेक्स्ट हर्ष बेनीवाल की साइड से भी एक कॉमेंट आया चमकीला, जिस पर कैरी मिनाटी ने कहा, कुछ ऑफेंस आ रहा था तो नहीं लिखा। बाकी यार वीडियो पर कोई ओपिनियन देना चाहते हो तो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो ऐसे ही अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।